हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग सेफ होंगे अपने घर पे। सो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ डिफरेंट प्लेसेस की पालक पत्ता चाट, एंड मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी पालक पत्ता चाट कहाँ की लगी एंड वाई। ऑल्सो यहाँ पे मैं प्रिंस चाट वाले की पालक पत्ता चाट कवर नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज वो तो हम सभी जानते हैं। इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको पालक पत्ता चाट खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, देन मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट दी नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो, एंड ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो कि आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है फॉर हैविंग पालक पत्ता चाट। सो द फर्स्ट स्टॉप फॉर हैविंग पालक पत्ता चाट इज पॉट पॉट, लोकेटेड इन साकेत DLF एवेन्यू मॉल। यहाँ की जो पालक पत्ता चाट है वो इसीलिए डिफरेंट है, रीज़न बीइंग कि आपके सामने या लाइव बनाते हैं। सो वो जो एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से वो योगर्ट डालेंगे एंड जितनी भी चटनियाँ है, पॉमिग्रेनेट एंड चाट मसाला, वो सब आपको देखने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। और उसके बाद ऑफकोर्स जब आप खाओगे तो आपको टेस्ट भी पता चलेगा कि वो वर्थ इट है या नहीं है। जब तक ये पालक पत्ता चाट बन रही है तब तक मैं दे देती हूँ शाउट आउट। सो इस बार ये शाउट आउट जाता है निखिल को। थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली कॉमेंट। इफ़ यू वॉन्ट शाउट आउट्स लाइक दीज ऑन माई वीडियो, देन मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट दी नोटिफिकेशन बेल। ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो वॉट यू लव दी मोस्ट अबाउट दिस वीडियो। यू कैन सी कि अब हमारी पालक पत्ता चाट ऑलमोस्ट रेडी है एंड कितनी ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है देखने में। अगर मैं इसके ओवरऑल टेस्ट की बात करूँ तो जो इसके पत्ता है जो फ्राई हो रखे हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी है, और जो इसमें योगर्ट है वो भी काफ़ी ठंडी है, जो रिफ्रेशिंग टेस्ट दे रहा है, और पॉमेग्रेनेट से एक अच्छा क्रंच आ रहा है। सो मुझे तो यहाँ की पालक पत्ता चाट काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगी एंड वर्थ द मनी लगी। सो द नेक्स्ट स्पॉट फॉर हैविंग पालक पत्ता चाट इज़ इनसाइड अ क्राफ्ट म्यूजियम, दैट इज़ कैफे लोटा इन प्रगति मैदान। सो कैफे लोटा अपनी पालक पत्ता चाट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सो यहाँ पे आके पालक पत्ता चाट तो ऑर्डर होनी ही होनी है। सो यहाँ पे इन्होंने 4 पालक पत्ता के पीसेस दिए हैं, जिसमें इन्होंने पूरा ऊपर से भुजिया स्प्रिंकल करी हुई है अलॉन्ग विद पॉमिग्रेनेट, एंड नीचे इनकी पूरी योगर्ट है। सो ये बिल्कुल भी चटपटा तो नहीं है, बट योगर्ट से काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग टेस्ट डेफिनेटली आएगा। जितनी भी पालक पत्ता चाट अभी तक मैंने ट्राई करी है उन सबसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है टेस्ट वाइज। सो द नेक्स्ट प्लेस ऑन अ लिस्ट फॉर हैविंग पालक पत्ता चाट इज टिकल्ड पिंक, विच इज़ अगेन इन DLF एवेन्यू मॉल साकेत। यहाँ की जो पालक पत्ता चाट है देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसे गार्निश करा गया है विद पॉमेग्रेनेट एंड फ्लावर्स, सो देखने में तो ये फुल नंबर लेके जा ही रहा है। अगर मैं इसके टेस्ट की बात करूँ तो वो मुझे ओकेश लगा। इसमें योगर्ट मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा कम यूज़ करी गई एंड चटपटा भी इतनी ज़्यादा नहीं है ये। ऑल्सो इन्होंने पॉमेग्रेनेट के अलावा इसके अंदर और भी कुछ यूज़ करा था, रेड बॉल्स जो दिख रही थी मुझे, एंड वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, सो मुझे खाने में भी थोड़ा सा ट्रबल दे रहा था। सो दिस इज़ नॉट द बेस्ट पालक पत्ता चाट दैट आई हैड टिल नाउ। सो द नेक्स्ट प्लेस दैट वी आर गोइंग टू कवर इज कैफे दिल्ली हाइट्स, एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिलिशियस फूड मिलता है एज़ पर गूगल रिव्यूज़। सो यहाँ पे मैंने सोचा कि क्यों ना जाके इनका पालक पत्ता चाट ट्राई करा जाए। सो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी बड़ी एक ब्लैक प्लेट यूज़ करी गई है, सो देखने में तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एक के ऊपर एक लेयरिंग हो रखी है ऑफ ऑल दी पालक पत्ता, एंड इन्होंने इसके अंदर जो भुजिया है वो आलू भुजिया, वो जो स्पाइसी वाली होती है वो यूज़ करी है। एक चीज़ जो मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी एंड दैट इज़ कि जो नीचे वाले लेयर्स हैं उसके अंदर भुजिया का बिल्कुल टेस्ट ही नहीं आ रहा, सिर्फ योगर्ट है, एंड जो भी इन्होंने टमाटर और प्याज यूज़ करा था वो मुझे एक्स्ट्रा खुद ही डालना पड़ रहा था ऑन पालक पत्ता ताकि मुझे टेस्ट आए। सो द नेक्स्ट प्लेस फॉर हैविंग पालक पत्ता चाट इज चायोस, जिसके आउटलेट्स आपको ऑल ओवर दिल्ली हर जगह मिल ही जाएंगे। आई नो कि चायोस है और यहाँ पे तो चाय मिलती है, बट चायोस में चाय के अलावा काफ़ी सारे चाट के भी आइटम्स मिलते हैं, जैसे कि समोसा आलू चाट हो गया या फिर आलू चाट, पालक पत्ता चाट। सो यहाँ पे मुझे पर्सनली इनकी पालक पत्ता चाट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। जो पालक पत्ता है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी है, एंड आई फील कि जो इनकी चटनी है ना उसी से पूरा टेस्ट आता है यहाँ के चाट्स में। सो जो इनके एलोपिनोज इन्होंने ऊपर से डाले हुए हैं उससे काफ़ी अच्छा एक हल्का सा स्पाइसी किक मिलता है, और जो इन्होंने भुजिया डाली है वो भी काफ़ी अच्छा क्रंची टेस्ट देता है। सो आई नो कि जब भी क्रेविंग हो पालक पत्ता चाट की एंड मुझे कोई और लोकेशन ना पता हो एंड चायोस मेरे आसपास हो, सो आई कैन ऑलवेज गो देयर एंड हैव द पालक पत्ता चाट। सो द नेक्स्ट प्लेस फॉर हैविंग पालक पत्ता चाट इज़ मेडन्स होटल इन सिविल लाइंस, एंड यहाँ पे वी सॉ इनके मेन्यू में था दही गुजिया और कड़क पालक की चाट। सो वी थॉट कि पालक पत्ता चाट ही होनी चाहिए,
बट सरप्राइजिंगली ये कुछ अलग ही टाइप की पालक पत्ता थी। तो आप ये बोल सकते हो कि दही भल्ला है जो दही के अंदर डिप्ड है एंड इसके ऊपर गार्निश करा हुआ है पालक के पत्तों से। सो अगर मैं इसके ओवरऑल टेस्ट की बात करूँ तो इसमें काफी ज्यादा मुझे मीठा लगा, जो ग्रीन चटनी है उसका इतना टेस्ट नहीं आ रहा था। बुरा नहीं था ये टेस्ट में, बट काफी ज्यादा मुझे मीठा लगा ये। आई एम श्योर कि आप सभी के मुंह में काफी ज्यादा पानी आ गया होगा इतनी सारी जगहों की पालक पत्ता चाट देखने के बाद। यहाँ पे मैंने ट्राई करी है कि जो पालक पत्ता मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ वो सारी एक दूसरे से काफी डिफरेंट हो एंड एट द सेम टाइम टेस्टी भी। सो माय टॉप 3 प्लेसेस फॉर हैविंग पालक पत्ता चाट इन दिल्ली आर फर्स्ट चायो, सेकेंड कैफे लोटा एंड थर्ड पॉट पॉट। ऑल्सो आई हैव टू से कि जब 2020 में कोविड आया था तो घर में हमने पालक पत्ता चाट बनाने का ट्राई करा था एंड वो जो टेस्ट था पालक पत्ता का वो मुझे आज दिन तक कभी भी किसी रेस्टोरेंट कैफे में नहीं मिल पाया है। इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड इन मेकिंग पालक पत्ता चाट एट होम तो जो उस वीडियो का लिंक है वो मैं आई बटन में ऊपर लगा दूंगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में, मेक श्योर टू चेक आउट द वीडियो। आई होप आपको ये चटपटी सी वीडियो देखने में मजा आया होगा एंड इफ यू लाइक इट देन मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट दी नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो। सो मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, टिल देन बाय।